वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रैब अप स्किल्स। अब हम यहाँ पे कुछ एक टॉप सब्जेक्ट करेंगे जिसमें आपको, अगर आप देख सकते हैं, इसमें ये डेट शीट है आपकी, ये है आपकी ऑनलाइन जो भी डिग्री कर रहे हैं इग्नू से, तो उनकी डेट शीट है। अगर मैं इसमें देखूँ तो कुछ एग्जाम्स तो आपके निकल चुके हैं, बट कुछ एग्जाम्स हैं जो भी होने बाकी हैं। तो मैं आज एक सब्जेक्ट आपको कराऊंगा, वो सब्जेक्ट है यहाँ से 11 तारीख को जो आपका एग्जाम है, ये वाला सब्जेक्ट BCOS 183, ये आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट मैं आज करवाऊंगा। इसके अलावा आप जैसे कमेंट करोगे, तो मैं जैसे भी ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर मेरा एग्जाम है 11 अप्रैल को, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं वही आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये एक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एक सब्जेक्ट है। ये बीकॉम के स्टूडेंट्स का तो है ही है, बीकॉम ऑनलाइन का भी सब्जेक्ट है, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं इग्नू के अंदर जिनमें ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, आपने 2-3 एग्जाम में देख लिया होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। कुछ एमसीक्यू होते हैं और कुछ फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको फुल लेंथ में आंसर लिखना होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, दिसंबर 2021 का है। ठीक है, अब आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, अब आप दे रहे हो एग्जाम दिसंबर 2022 का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, दिसंबर 2022 का एग्जाम आप अभी दे रहे हो, बट ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सामने लेके आया हूँ, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये एग्जाम आपका कब है, ये एग्जाम है आपका 11 अप्रैल को, 11 तारीख को है, आपने नोटिस कर लिया, राइट। चलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर, हैंडबिल्ड, और ये तीनों चीज तो होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है, तो इसमें से नॉट बोला गया था, तो नॉट द क्लासिफिकेशन, तो क्या आएगा उसमें आपका, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा बताओ, फर्स्ट आंसर ए। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड में क्या लिखा है, द सॉफ्ट लिखा डैश सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद यूजर इनपुट एंड हेल्पिंग देम टू द कंप्लीट द टास्क। तो बताओ उसका क्या आंसर होगा, एप्लीकेशन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा दूं, एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा करवा देता हूँ, फिर जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे तो इसके शॉर्ट नोट और बाकी चीज में मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए, पैन स्टैंड फोर। तो पैन का यहाँ पे क्या मतलब होता है यहाँ पे, आप में से कौन बताएंगे, कोई कमेंट करके आप बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो पर्सनल एरिया होता है इसका मतलब। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके, इसका थर्ड का आंसर ये था। फोर्थ का आंसर क्या होगा, डैश इज फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन, फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन इन विच डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट कैन बी क्रिएटेड एडिटेड एंड स्टोर्ड ऑनलाइन। तो बताओ फ्री, फ्री बोला है, फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो गूगल डॉक्स होता है, राइट, तो गूगल डॉक्स इसका आंसर होगा, करेक्ट है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर फोर तक हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहे हैं, यूनिक्स और लिनक्स जो है फॉलोज, तो आपको इसमें बताना है प्रोटोकॉल फॉर द फाइल स्टोरेज, तो इसका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट का NFS आ जाएगा। ठीक है, राइट, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिंक्रोनाइज टेक्निक्स इज ऑल्सो नोन एज फाइल मिररिंग। फाइल मिररिंग किसे कहते हैं, वन वे सिंक्रोनाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर करवा दूं, और भी अगर किसी सब्जेक्ट का आपको करना है तो वो भी मुझको इसमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, ये हम सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं, BCOS 183, राइट, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ा आपने, कंपोनेंट ऑफ जी सूट प्रोवाइड फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस, तो क्या होगा इसका आंसर, गूगल फॉर्म, गूगल हैंगआउट, जी गूगल ड्राइव, ओके। क्वेश्चन नंबर एट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द फंक्शंस आर परफॉर्म विद द टाइम कंस्ट्रेंट। तो बताओ नाइन्थ का क्या आंसर होगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशंस प्रोसेस परफॉर्म बाय लैंग्वेज प्रोसेस। तो मैं जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर इसका आंसर बता देता हूँ, सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड, ये सीक्वेंस आपको बताना था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट, तो ये आप में से बताना था कि कौन सा इसमें सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लायर इंटरप्रेटर असेंबल फाइल अंडर द कैटेगरी ऑफ, इसका लैंग्वेज प्रोसेसर में आ जाएगा। ठीक है, SQL और कमांड इंसर्ट डिलीट अपडेट बिलोंग्स टू, तो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है, DML में आ जाएगा इसका, करेक्ट है। देखो इसी में से आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस, अब आपको 11 अप्रैल को जो एग्जाम है
11 अप्रैल को भी देखने को मिलेंगे, और सिमिलर क्वेश्चन पेपर। और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर, ये इग्नू का ही क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं करा रहा हूँ ये इग्नू का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो इसको जरूर आप अटेम्प्ट करके जाइए। क्वेश्चन नंबर में कहाँ तक आ गया था, 11 तक आ गया था, ठीक है? ये 12th भी बता दिया था मैंने, 12th का आंसर क्या हो जाएगा, DML हो जाएगा 12th का आंसर। एंड देन 13 क्वेश्चन नंबर, डीपीडी पॉलिसी फॉर द डेटा प्रोटेक्शन स्टैंड्स फॉर, तो इसका आ जाएगा डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव। डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव क्या होता है, डीपीडीओ मतलब होता है, ठीक है? द डोमेन नेम विद एंडिंग कोड ऑफ यूके डॉट डॉट यूके डॉट इन विच टाइप ऑफ TLD, तो इसमें आपको बताना था CCTLD ये होता है, ठीक है? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, राइट? 15 का क्या आंसर होगा, द कोड इनेबल्स द यूजर टू मेक पेमेंट इवन विदाउट स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा फैसिलिटी, तो USSD। तो अब ये तो उसका क्वेश्चन है कि आपको बिना इंटरनेट के आप पैसे कभी, शायद आपने यूज किया हो पेटीएम, फोन पे के अलावा, अगर जो USSD हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कोड इनेबल्स यूजर मेक पेमेंट इवन विदाउट स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा फैसिलिटी, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो बिना इंटरनेट के। टेबल कंटेंट द फुटनोट्स सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी बिलोंग्स टू टैब ऑफ, एक्चुअली मेरे को ना दिख नहीं रहा क्लियरली, अगर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताना कमेंट में, फिर मैं थोड़ा इसको और विजन्स को अच्छे से क्लियर कर लूंगा, ठीक है? तो इसका क्या, इसका तो आंसर ये हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द एमएस इन एमएस एक्सेल टी द सेल एड्रेस, जो यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह दे रखा है, तो इस आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा, क्या होगा सेवन, इसका होगा मिक्स्ड टाइप ऑफ एड्रेसिंग, ये मिक्स्ड है, ठीक है? इसमें आपको D1S ऐसे करके दिखा ना, ये मिक्स्ड है। इसका क्या आंसर होगा आपका, डैश एंड डैश फंक्शन आर यूज्ड टू कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन एसेट। अच्छा ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, तो उसका आपका फंक्शन ऑफ यूज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, तो इसका आंसर होगा DBNSLN, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है? ये आंसर होगा इसका। और नेट प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू और यील्ड मेथड, ये तो उसके डिविडेंड का होता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड करके है, ठीक है? दो मेथड होते हैं वो, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बताना है, 19 का क्या होगा बताओ। तो एरे, क्वेश्चन नंबर 19 है, एरे एरे फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज, तो बताओ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है? ये ऑल्सो नोन एज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन एम एस एक्सेल इज यूज टू लुक इन सिंगल रूट और कॉलम एंड टू फाइंड अ वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजिशन इज अनदर रो और कॉलम, तो लुकअप, ठीक है? तो लुकअप इसका लुकअप फंक्शन बोलते हैं, अगर आपको किसी को नहीं पता तो इसका लुकअप फंक्शन इसका आंसर होगा, करेक्ट? चलो ये तो थे आपके एमसीक्यू, एमसीक्यू के अलावा कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो पहले आपके एमसीक्यू थे, फिर यहाँ आपके तीन तीन मार्क्स के क्या हैं, नॉर्मल कितने 300 वर्ड्स में लिखने हैं आपको, ठीक है? तो देखो क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, तो आपको क्या करना है इसमें, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट, मैं इन सब के आंसर भी बताने की कोशिश करूंगा, अभी जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको ये एग्जाम में आ चुका है, मैं इसके आंसर भी दिखाऊंगा। व्हाट आर द कंप्यूटर नेटवर्क्स डिफरेंस बिटवीन पैन एंड हैन, ये दोनों आपको चीज बतानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइल सिंक्रोनाइज, डिस्कस द कंसेप्ट टू वे सिंक्रोनाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी क्वेश्चन आया था ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंपेरेटिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, गिव पॉलिसी इशूज वाइज कंपेरिजन DPD एंड ये सब बताना है। फिर कैप्चा के बारे में बताना है, उसका डिफरेंस बिटवीन IMPC और प्रोटोकॉल ये बताना है, POP3 प्रोटोकॉल के बारे में बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, URL के बारे में बताना है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ URL से व्हाट आर द डिजिटल वॉलेट, अरे तो पेटीएम वेटीएम से रिलेटेड, इतना लिए कुछ थ्योरेटिकल बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ थोड़े कंप्यूटर से रिलेटेड वेरी वैसे क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो ये कुछ ये आगे 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है? तो आप समझ में आ गया आपको कैसे पेपर होगा, आपके 20 क्वेश्चन MCQ होंगे 1 मार्क के, 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, और आपके 10 क्वेश्चन कितने हो के होंगे 5 मार्क्स के, तो ये आपका 20 मार्क्स हो गया, ये आपका 30 मार्क्स हो गया, और ये आपका 50 मार्क्स हो गया, तो टोटल आपका 100 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, और आपने असाइनमेंट सबमिट किया होगा तो फिर वो मार्क्स लग जाएंगे आपके असाइनमेंट के भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसको देख लीजिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये आपका था, क्वेश्चन क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और इस साइज के बारे में बताना था। तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियो बहुत जल्दी बनानी है। मिनी कंप्यूटर, ठीक है, जो क्वेश्चन था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर को क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। वैसे आपकी इग्नू की जो बुक है उसमें तो है ये सारा कंटेंट, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और जिनके पास बुक नहीं आई अभी तक, वो यहाँ से पढ़ लो हमारे चैनल से। तो अगर आपने अभी तक ग्रैब अप स्किल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रैब अप स्किल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कोई फ्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और कंप्यूटर के बारे में एक और क्वेश्चन था, नेटवर्क के बारे में, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होम एरिया नेटवर्क के बारे में था कुछ, एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको अगेन चीजें सारी एक बार दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन में आपने देखा होगा। तो ये आपका फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइज सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है यहाँ पर। ठीक है, टू वे सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर ये हो जाएगा आपका। क्लियर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको मेरे को बता सकते हो पर्सनली, और इस कमेंट करके। नहीं तो आप एक व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लो, ये हेल्पलाइन है। अगर आपको किसी भी इसमें और सब इस सब्जेक्ट में, या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर के अगर आपको स्टूडेंट हो, तो इस पे मेरे को व्हाट्सएप करके बता देना कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो तुरंत बना के यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। विद इन 2-3 डेज में उस सब टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे पढ़ लीजिए। और थ्री बेसिक पर्पस ऑपरेटिंग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक पर्पस क्या क्या होते हैं, ए बी सी, तो आप तीनों इसको पढ़ के जाइए। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या है वो जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं चाहूँ तो इसको बहुत डिटेल में भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बनेगी और बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज था, सम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस है, प्रोसेस है, मैनेजमेंट है, सारी चीज आपको याद करके जानी है तो एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और इसमें आपका क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन क्या था, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर करना और ऑन द बेसिस ऑफ, देखो पैन और हैंड ये भी मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया। व्हाट डू यू अंडर माय फाइल सिंक्रोनाइज डिस्कस, ये भी बता दिया है ना, और क्या बता दिया मैंने इसमें सारे क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, ये रह गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डीबीएमएस से रिलेटेड है, और ये 3-4 क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो देखो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड लेंथ बहुत अच्छे से मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, तो आप इसमें देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको इसका आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर, तो आई होप आपको ये इसका आंसर मिल गया होगा। आई एम ए पी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप भूल गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 था ना एक, क्या था ब्रीफली आई एम पी, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता देता हूँ आपको मैं। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ये यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और इसको आप पीओपी वगैरह, इसका आंसर आप पीओपी और इसमें डिफरेंस और ये जो चीज है पूरा आप इसमें लिख लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जल्दी से देखते हैं। व्हाट इज यूआरएल, आप वीडियो को स्लोली देखोगे तो पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। तो और एक जी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प रहे करेगी ये वीडियो, तो इसलिए ध्यान से देखना। व्हाट इज यू आर एल और डिस्कस, और ये क्वेश्चन था आपका, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी मैं जितने बता पाया हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे यू आर एल के बारे में, जैसे इग्नू का है, ignu.ac.in, ये ऑफिशियल इग्नू का वो है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप यहाँ पे इग्नू के ऑफिशियल इस पे जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, यू आर एल के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रोटोकॉल, और ये था आपका इसमें यूआरएल कितने, ये आप पूरा है इसमें देखो, जो पहला पार्ट होता है उसको प्रोटोकॉल, फिर सब डोमेन होता है, फिर डोमेन एंड सब डोमेन फिक्स डायरेक्टली, मतलब तो पूरा एक एक पार्ट करके डिफरेंस करके इसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, और डिजिटल वॉलेट एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, डिजिटल वॉलेट से रिलेटेड था एक क्वेश्चन नंबर 10, तो उसका आंसर है डिजिटल वॉलेट के बारे में पूरा। वैसे आप सेल्फ अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोशिश करो आप बुक की लैंग्वेज लिखने में। चलो अभी के लिए इतना ही, कुछ आंसर और भी बता देता हूँ ब्रीफली, लैन वैन ये मैं, तो कुछ चीजें तो ऊपर से कॉपी कर सकते हो क्योंकि टॉपिक तो सेम है, तो आप तो अगेन वापस से देखो सिक्योरिटी सेल्फ सर्विस के बारे में है ये। ठीक है, तो और आपका एक एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये आपको एक इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मोबाइल वॉलेट के बारे में हो गया। ठीक है, और
देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी सेल्फ असेसमेंट। सिक्योरिटी सेल्फ असेसमेंट है तो इसका क्या आंसर होगा, सिक्योरिटी सेल्फ असिस्टेंट के बारे में या पूरा इसके डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। पहला, ये पहला पेज है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक आप अभी हम करते हैं। इसके अलावा जैसे आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा, ई वॉलेट है तो ई वॉलेट भी, ये देखो ई पेमेंट सिस्टम, मोबाइल वॉलेट और ई ई वॉलेट में कोई डिफरेंस चीज आपने, डिजिटल वॉलेट कैश सारी चीज आ जाती है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग भी आ जाता है इसमें सिस्टम में। चलिए थैंक यू एवरीवन, आप सबका थैंक यू, और आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था अगर, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में जल्दी से, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू एवरीवन, और कमेंट जरूर करें तो ही मुझे पता लगेगा कि कौन सा आपको टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, वो मुझे पता चल जाएगा, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।